मोहम्मद फ़हीम मुंबई से ये सवाल करते हैं कि अभी मुंबई महाराष्ट्र में मस्जिद में 5 लोगों से ज़्यादा नमाज की इजाज़त गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, अगर मस्जिद के ट्रस्टी या इमाम जुमा से कुछ वक्त पहले माइक पर अनाउंसमेंट करवाते हैं कि आवाम अपने घरों में जुहर की नमाज़ पढ़ ले और ये अनाउंसमेंट कई बार किया गया हो, तो ऐसी सूरत में मस्जिद में जो 5 लोग नमाज जुमा पढ़ रहे हैं तो क्या उनकी जुमा की नमाज़ अदा हो जाएगी? और उन्होंने एक नोट में ये भी लिखा है कि मस्जिद के गेट को बंद कर दिया गया है लेकिन लॉक नहीं किया गया है, तो ऐसी सूरत में क्या उन 5 लोगों की जुमा की नमाज़ अदा हो जाएगी या नहीं? देखिए, ये मसला पहले भी जिक्र किया गया कि जुमे के लिए इज़्ने आम ये शर्त है। इज़्ने आम का माना ये है कि जुमे का इल्म हो सब लोगों को कि यहाँ जुमा हो रहा है और वहाँ किसी को आने से रोका ना जाए। जुमे के वक्त, नमाज के वक्त किसी को आने से वहाँ रोका न जाए, जो भी आना चाहे वो आ सकता हो। अगर दरवाज़ा लॉक कर दिया जाए, मस्जिद भर जाने के बाद भी लॉक करेंगे तो जुमा जायज़ नहीं होगा कि इज़्ने आम के ख़िलाफ़ है। और दरवाज़ा सिवे भेड़ दिया जाए, अंदर से कुंडी नहीं लगाई जाए कि जो चाहे दरवाज़ा खोल के आ सकता हो, और लोगों को मुकीमीन जुमा यानी जो जुमा पढ़ने वाले हैं वो लोगों में से किसी को जुमा के लिए आने से न रोकें। हाँ, अब अगर लोग पुलिस के खौफ की वजह से, लॉकडाउन की वजह से या और किसी वजह से घर से मस्जिद ना आए तो ये इज़्ने आम के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन अगर रोका जाएगा उन्हें तो ये इज़्ने आम के ख़िलाफ़ होगा। अभी सवाल किया गया है कि मस्जिद से ऐलान किया जाता है कि लोग अपने अपने घरों में जुहर पढ़ लें, तो ये भी रोकने ही के मुतरादिफ है, गोया कि जुमे के लिए ना आए, अपनी जुहर अपने घरों में पढ़ लें, तो ये भी इज़्ने आम के ख़िलाफ़ होगा। इस तरह के ऐलान वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। लोग लॉकडाउन की वजह से देख रहे हैं कि पुलिस जो है मस्जिदों के बाहर तैनात है और लोग आते हैं तो उनके लिए परेशानियां हैं। अब इस बात की वजह से अगर लोग घरों से नहीं निकलते जुमा के लिए तो ये इज़्ने आम के ख़िलाफ़ ना होगा। अब दरवाज़ा अंदर से ना बंद करें और 5 आदमी भी जुमा में शरीक होते हों तो इज़्ने आम होने की वजह से जुमा हो जाएगा, और अगर इज़्ने आम में किसी तरह का शको शुभा हो कि इज़्ने आम नहीं हुआ तो जुहर भी अदा कर लें इस नियत के साथ कि मैंने जुहर का जो वक्त पाया और नहीं पढ़ी है उसमें सबके सबसे आखिर वाली जुहर अदा करता हूँ। तो अगर जुमा सही नहीं हुआ होगा तो उस दिन की जुहर जो उसके ज़िम्मे है वो अदा हो जाएगी। वल्लाहु तआला अलम।